आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है और इसमें आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी भी आई हुई है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे और अगर आप 8 पास है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको ऑनलाइन मोड से इसमें आवेदन करना होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है तो यार प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको जस्ट बगल में मिलेगा बेल आइकन, आपको वो प्रेस कर लेना है जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आकर ये सभी डिटेल चेक कर सकते हैं। और फिर जो कल के बेस्ट कमेंट है वो रहे आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, जो इसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जबलपुर की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी, जिसमें टोटल पोस्ट आपको 131 पोस्ट दी गई है। पोस्ट नेम जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट आई हुई है, जो कैटेगरी वाइज जिसमें वैकेंसी आई हुई है वो प्योन के लिए 57 पोस्ट है और ऑर्डर तमिलकर्ता के लिए 74 पोस्ट आई हुई है। अप्लाई मोड तो ऑनलाइन मोड से आपका आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में अप्लाई भी कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अगर आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो 15,500 से लेकर 49,000 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल, यानी कि आपकी इसमें सैलरी भी रहेगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अगर मेल कैंडिडेट के लिए जो एज रहेगी वो 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 45 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर आप SST या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको उसमें 3 ईयर और 5 ईयर की छूट भी दी जाएगी और ये केवल छूट केवल और केवल मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को ही दी जाएगी। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। अगर हम इसके एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट से 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको देने होंगे, यानी कि आपकी जो फीस रहेगी 100 रुपये रहेगी। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 8वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे, वो आपने किसी भी बोर्ड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आप कंप्लीट किया हो या फिर समकक्ष होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 14 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो चुका है, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 7 फरवरी 2019 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। जॉब लोकेशन और जो एग्जाम सेंटर रहेंगे आपके वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। अगर फ्रेंड्स आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आ जाना इंपोर्टेंट लिंक्स, आपको यहाँ पर मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, इसी के सामने क्लिक है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इनके रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से अपना फॉर्म फिल कर लेना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, आपको यहाँ से आई वाले कॉलम में वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपसे यहाँ विभाग का नाम रीड कर सकते हैं, किस विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 4/1/2019 को जारी किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि रहेगी, यानी कि जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए वो 7 फरवरी 2019 रहेगी। जो उसका आपका पे स्केल रहेगा 15,500 लेकर 49,000 रुपये तक का आपका पे स्केल भी रहेगा। एक बार आपको रीड कर लेना, जो मैंने डिटेल बताई उसी को फुल डिटेल के साथ इसमें बताया हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ यार कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होता, प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।